मैं अपनी बेटी का कन्यादान करता हूं, बेटी का हाथ चैतन्य के हाथ में सौंपता हूं। बेटे, आज मैं अपनी कंपनी के 25% शेयर्स मैं आज से तुम्हारे नाम करती हूँ। 25% शेयर्स मैं आज से तुम्हारे नाम करती हूँ। आज आपकी बेटी एक नए घर में, एक नई दुनिया में कदम रखने जा रही है। मुझे आशीर्वाद दीजिए पापा। कैसा आशीर्वाद? अपनी बहन के सपने को चकनाचूर करके अपनी डोली सजाने वाली को मैं आशीर्वाद कैसे दूं? अपनी छोटी बहन को दुख दे घर जाने वाली को मैं जिंदगी भर खुश रहने का आशीर्वाद कैसे दूं? अपनी छोटी बहन की खुशियां छीनने वाली, उसके सपने तोड़ने वाली को मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि तुम कभी सुखी नहीं रहोगी, तुम कभी सुखी नहीं रहोगी, कभी सुखी नहीं रहोगी, कभी सुखी नहीं रहोगी, कभी सुखी नहीं रहोगी, कभी सुखी नहीं रहोगी। नहीं पापा, आप चाहे अपना आशीर्वाद अनुपमा को दें या ना दें, वो खुश भी रहेगी और सुखी भी। ये मेरा वादा है आपसे। मैं उसकी झोली में दुनिया के हर सुख, हर खुशी डाल दूंगा। आज तक उसका नाम आपसे जुड़ा था, इस घर से जुड़ा था। वो आपकी बेटी थी, पर आज से वो एक नए बंधन में बंध चुकी। आज से वो मेरी पत्नी, और मेरी पत्नी की आंखों में कभी भी दुख के आंसू आए ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। इसके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट खिली रहेगी। चलो माँ से आशीर्वाद लेते। बाबुल मेरे अंगना तेरा, छोड़ के जाना भाग है मेरा, कोई पराया। माँ, आज से आपकी बेटी अनुपमा का हाथ ले जाए, मैंने थामा। डोली सजा के, डोली सजा, हमें आशीर्वाद दीजिए। डोली सजा के, डोली सजा के, सपने जगा के, अपना बना के, ले जाएगा डोली सजा के, डोली सजा के। आज मैं बहुत खुश होती थी, इतना खुश कि मन कर रहा है कि चिल्ला चिल्ला के सारी दुनिया को कहूं कि मुझे बधाई दे। आज मेरी दीदी की जिंदगी में वो दिन आई क्या जब उनको दुनिया की सारी खुशियां मिल जाएंगी। तो शायद दुनिया का पहला भाई होगा दीदी जो अपनी दीदी की विदाई पर ना रोएगा, ना आंसू बहाएगा और ना अपना मन भारी करेगा, क्योंकि मुझे आपके इस घर से जाने का दुख नहीं है,
बल्कि खुशी है। चैतन्य, मेरी दीदी को इस घर में कभी कोई खुशी, कभी कोई सुख नहीं मिला, लेकिन मेरा यह विश्वास है कि आने वाला कल आपकी जिंदगी में वो खुशियों का चमकता सूरज लेके आएगा जो आपकी जिंदगी खुशियों से भर देगा। ना दीदी, अपने ये सारे आंसू, अपने सारे दुख, अपनी सारी तकलीफें आप इस घर की दहलीज के पीछे छोड़ के जाइए। घर की उस दहलीज के आगे आपके लिए एक नई दुनिया खड़ी है। चीचू, ले जाइए मेरी दीदी को, ले जाइए इन्हें एक ऐसी दुनिया में जहां कोई दुख नहीं, सिर्फ सुख है, खुशियां हैं, मुस्कुराहटें हैं। जाओ दीदी, जाओ दीदी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उस मनहूस को इतनी सारी खुशियां कहां से मिल गई। ओ क्या कहां से मिल गई, जो मिलना था सो मिल गया, जो होना था सो हो गया माया पुत्र। ओ, ओ उसकी, उस मनहूस की किस्मत का सितारा तो चमक गया। ओ हम तो राम चोट ना बुलाए इसी गलत फहमी में मारे गए कि इस कंगले अनाथ को शारदा जी से कुछ नहीं मिलने वाला। देखो तो से शादी कितनी नहीं, 25% की साझेदारी इस मनहूस अनुपमा को। वैसे माया पुत्र, ये 25% होता कितना होगा? माँ करोड़ों में, करोड़ों में। आए रब्बा, करोड़ों। ओए फिट्टे वो हमारा। ओए ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मनहूस अब करोड़ों में खेलेगी। माँ, वो करोड़ों में खेलेगी और हम देखते रह जाएंगे। धीरे धीरे सब कुछ मुझे समझ में आ रहा है। उस मनहूस ने ऐसी चलाकी के साथ खेल खेला है कि हमारी सारी की सारी चलाकियां धड़ी की धड़ी रह गई। और माँ, इन सब में वो चैतन्य भी इस अनुपमा के साथ मिला हुआ था। मॉम, उसने ये खेल खेला ही नहीं, बल्कि वो ये खेल जीत भी गई है और आप कुछ भी नहीं कर पाए। आपने देखा नहीं, अभी तक उसने अपने ससुराल में कदम नहीं रखा और उसे बड़ी बहू कह कह के मान दिया जा रहा है। आपको तो अपनी हार मान ही लेनी चाहिए। आप कैसे कहते थे, अनुपमा को कभी कोई खुशी नहीं मिलेगी, कभी कोई सुख नहीं मिलेगा, लेकिन बस, उसे बस नहीं सुनने मुझे उस अनुपमा की सुख की कहानी। ठीक है, मत सुनिए, लेकिन उसकी सुख की कहानियों की शुरुआत हो चुकी है और आप कुछ भी नहीं कर पाई। और अब तो आप और कुछ कर भी नहीं पाएंगी, क्योंकि जो होना था वो हो गया है। अब तो वो इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जा रही है। हाँ, जा रही है दीदी। इस घर को छोड़ के जा रही है और उनके जाते जाते भी कहीं उन्हें परेशान करने की कोई नई प्लानिंग तो नहीं बनाई जा रही। मॉम, जिंदगी भर आपने दीदी का सिर्फ बुरा सोचा है, लेकिन कमाल की बात यह है कि आप अब तक थकी नहीं। हर पल जिंदगी में आपने दीदी को सिर्फ दुख दिया। कम से कम आज उनकी विदाई पर उन्हें एक मां की तरह विदा तो कर दीजिए। प्यार के लिए शुक्रिया नहीं कहा जाता, प्यार तो बेटियों का हक होता है। सदा सुहागन रहो। मैंने अपनी जन्म देने वाली माँ को तो नहीं देखा, मगर हर पल मैं भगवान से आपकी ममता के लिए शुक्रिया करती रही।
अगर अनजाने में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ कर देना माँ। तेरी बहुत याद आएगी बेटा, ये घर तेरे बिना बहुत सूना हो जाएगा। भगवान तेरी झोली में दुनिया की सारी खुशियां डाल दे।
कहिए पंडित जी, क्यों बुलाया? मैं जानता हूं कि शायद आपको मेरी बात पे विश्वास न हो, पर मैं आपसे कहे बिना रह भी नहीं सकता हूं। मुझे खुशी है कि उसे आप जैसा पति मिला, पर मैं जब आपकी और अनुपमा बिटिया की कुंडली देख रहा था ना, तो उसमें कुछ खतरे की बात दिखाई पड़ी थी। कैसा खतरा पंडित जी? देखो बेटा, मेरा फर्ज है तुम्हें बताना, शादी के बाद 6 महीने तक अगर तुम में और अनुपमा बिटिया में पति पत्नी के संबंध कायम हुए तो क्या पंडित जी? तो अनुपमा बिटिया की जान को खतरा पैदा हो सकता है। ये क्या बकवास कर रहे हैं पंडित जी? मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता। सुनो, जानता हूं तुम इन बातों में विश्वास नहीं करते, पर मेरा फर्ज है तुम्हें बताना। मैं जो कुछ कह रहा हूं तुम दोनों की कुंडलियां देखने के बाद कह रहा हूं। ग्रह नक्षत्र झूठ नहीं बोलते। अनुपमा बिटिया को तुम तो बहुत चाहते हो ना, तो तुम उसकी जिंदगी का खतरा मोल तो नहीं लेना चाहोगे? मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल सच कह रहा हूं, इसे तुम सच मानना। आपकी राय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, लेकिन मैं इन बेतुकी बातों को नहीं मानता। चैतन्य बेटा। आया मां। पंडित जी, आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इसका इनाम आपको जिंदगी भर मिलता रहेगा। प्रभु रक्षा करें। अनुपमा, मुझे तेरी खुशी रास नहीं आती, और जो चीज मुझे रास नहीं आती वो मैं होने भी नहीं देती। कहते हैं ना, दुनिया में हर चीज का इलाज है, पर वहम का, वहम का इलाज तो किसी हकीम लुकमान के पास भी नहीं। चैतन्य के मन में आज एक वहम का बीज डाल दिया गया। धीरे धीरे वो पनपेगा और फिर क्या होगा, तुम में और चैतन्य में दूरियां। माया कभी हार नहीं मानती। बेचारी इस घर में बेटी होकर भी बेटी नहीं बन पाई, अब उस घर में पत्नी होकर भी पत्नी नहीं बन पाएगी। अब देखिए माया की माया क्या गुल खिलाती है। जानती हो, मेरा छोटा भाई मुझसे बहुत प्यार करता है। हर जन्मदिन, कोई भी त्यौहार हो, मुझे तोहफे कार्ड्स भेजना कभी नहीं भूलता। अब वो इस घर से चली गई है, अब इस घर में उसकी कोई बात नहीं होगी। वो बेटी नहीं, एक अभिशाप थी। लेकिन आज मैं उस अभिशाप से, उस श्राप से मुक्त हो गया हूँ।